देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पेयजल की किल्लत को देखते हुए पानी बचाओ मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत सिरातू तहसील के त्रिलोकपुर गांव में पानी बचाओ मुहिम के सामाजिक कार्यकर्ता रणविजय निषाद ने परंपरागत लोक गायन के जरिए लोगों को पानी बचाने का तरीका समझाया। लोक गायक कलाकारों ने जीवन में पानी के महत्व को आम जन मानस को समझाया। इस मौके पर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक जागरूक रैली भी निकाली गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी की यह मुहिम उनके जीवन में बदलाव का नया सवेरा लेकर आई है, जिसको वह अपने जीवन में अमल करने के साथ अपने आसपास के लोगों को भी समझाएंगे। पीने के पानी की बढ़ती समस्या देख भविष्य में पीने के पानी का संकट न आए, इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता रणविजय निषाद जल संरक्षण अभियान चलाकर लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि आप लोग दैनिक जीवन में अनावश्यक जल का प्रयोग ना करें, क्योंकि मात्र 3% ही जल पीने योग्य है। रणविजय ने बताया कि जिस तरह से अभी पानी की समस्या बढ़ रही है, अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो 20 साल बाद पानी के लिए विश्व युद्ध हो सकता है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिव शंकर मोदनवाल की रिपोर्ट। आज इस प्रोग्राम के जरिए हमें पानी के बारे में जानकारी मिली है और हमारे तहसील सिरातू में जल की व्यवस्था जिस हिसाब से खराब चल रही है, हमारे समाज सेवियों के माध्यम से हम सबको, हमारे ग्रामीण के लोगों को आज इस कार्यक्रम के गाने बजाने के माध्यम से जो जानकारी मिली है, वाकई ही ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हमने यही किया, अपने मुखार बिंदों से गायकी के द्वारा हमारे सिरातू तहसील में जल की और हमारे गाँव समाज में जल की व्यवस्था साफ खराब है, इसलिए हम ये सारे लोगों को इकट्ठा करके, आप साहब लोगों को इकट्ठा करके जल की बचाव के लिए हम लोग यही अभियान चलाना चाहते हैं कि हमारे गांववासी जितने भी हैं जल बचाने की कोशिश करें, यही कहना चाहते हैं। इधर कौशाम्बी जनपद के 6 ब्लॉकों में सिराथू, कड़ा, मूरतगंज, मंझनपुर, नेवादा और चैन, ये डार्क जोन घोषित किए गए हैं। और डार्क जोन घोषित करने की स्थिति में हमारे यहाँ गेहूं, चावल, इस तरह की जो फसलें हैं ये इजी वे में नहीं ले सकते हम लोग, और यहाँ का जो जलस्तर है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। तो इस संदर्भ में मैंने कई विद्यालयों के साथ साथ ग्रामीण अंचल के गांवों में नृत्य कलाकारों और लोक गायन के माध्यम से जल का कैसे संरक्षण किया जाए और जल का महत्व क्या है, इस पर हम एक मुहिम चला रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो कृषक बंधु हैं और ग्रामीण साथी हैं, गांव के लोग हैं, ये अधिक से अधिक जल बचाएं, जिससे कि आने वाले समय में जल के लिए मारा मारी ना हो। क्योंकि आने वाला जो समय है 20-25 वर्ष बाद, मेरा मानना है कि जल के लिए विश्व युद्ध होगा, तो ऐसी स्थिति ना आए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए हमने लोगों को बताया कि आप जो वर्षा का जल है इसका संचयन करें, जिससे कि जो भूगर्भ जलस्तर है वो दिन प्रतिदिन हमारा बढ़े। देख रही है प्राइम स्टोरी।